कंगना रनौत एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। ऐसा लगता है कि भाजपा सांसद कंगना और विवादों का चोली दामन का साथ हो गया है। इस बार उन्होंने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में एक सोशल मीडिया पोस्ट करके एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। कुछ दिनों पहले किसानों के विरोध प्रदर्शन पर अपने बयान के लिए आलोचनाओं का सामना करने वाली कंगना रनौत ने शास्त्री की 120वीं जयंती पर एक पोस्ट के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी, जो राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी के कद को कमतर आंकने वाला लगा। कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिखा, देश के पिता नहीं देश के तो लाल होते हैं, धन्य है भारत माता के ये लाल। एक फॉलोअप पोस्ट में उन्होंने देश में स्वच्छता पर महात्मा गांधी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया। लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी पर पोस्ट ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद के लिए एक और विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने गांधी पर रनौत के अश्लील कटाक्ष की आलोचना की है। श्रीनेत ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भाजपा सांसद कंगना ने महात्मा गांधी की जयंती पर यह अभद्र कटाक्ष किया। गोडसे के उपासक भापू और शास्त्री जी में अंतर करते हैं, क्या नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के नए गोडसे भक्त को पूरे दिल से माफ करेंगे? राष्ट्रपिता है, बेटे हैं और शहीद हैं, हर कोई सम्मान का हकदार है। मार्च में श्रीनेत खुद कंगना के बारे में एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले विवादों में आ गई थी। तो वहीं कंगना के इस पोस्ट पर कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत देश विरोधी बातें बार बार में कर रही है, इसके खिलाफ देशद्रोह का मामला जो है वो दर्ज किया जाना चाहिए। बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, एक तरफ गांधी जी के ऊपर पीएम फूल चढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद ऐसी बातें कर रही है। गांधी जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए कंगना के खिलाफ। तो वहीं पंजाब के एक वरिष्ठ भाजपा नेता मनोरंजन कालिया ने भी रनौत की उनकी हालिया टिप्पणी की आलोचना की है। कालिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि मैं गांधी जी की 155वीं जयंती पर कंगना रनौत की टिप्पणियों की निंदा करता हूं। अपने छोटे से राजनीतिक करियर में उन्हें विवादास्पद बयान देने की आदत हो गई है। उन्होंने कहा कि राजनीति उनका क्षेत्र नहीं है, राजनीति एक गंभीर मामला है, बोलने से पहले सोचना चाहिए। उनकी विवादास्पद टिप्पणी पार्टी के लिए परेशानी का कारण बनती है। इतना ही नहीं, अब कंगना की खुद की पार्टी बीजेपी ने भी अब उनके बयान से किनारा कर लिया है। पंजाब के बीजेपी नेता हरजीत गरेवाल ने भी कंगना के पोस्ट को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने जो स्टेटमेंट दिया है गांधी के बारे में वो शर्मसार करने वाला है। उन्होंने गांधी को पसंद नहीं किया पर लाल बहादुर शास्त्री को पसंद कर रही है, वो कैसे गांधी जी का अपमान कर सकती है? गांधी जी के बिना भारत को आजादी कैसे मिलती? कंगना को कुछ नहीं पता है, कंगना का विचार जो है वो गोडसे का विचार है। मंडी के लोगों से गलती हो गई कि इसको सांसद बनाया। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि भाजपा नेता ने ही कंगना के खिलाफ इस तरह के बयान दिए हैं कि उनको सांसद बनाकर गलती कर दी है। आपको बता दें कि पिछले महीने ही रनौत को 2021 में निरस्त किए गए 3 कृषि कानूनों की वापसी की वकालत करने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। जून में सांसद के रूप में चुने गए अभिनेता ने आरोप लगाया कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का जो आंदोलन है भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि विशेष स्थलों पर लाशें लटक रही थी और बलात्कार हो रहे थे। साफ तौर पर किसानों को यहाँ पर रेपिस्ट कहा था। बाद में रनौत ने अपने बयान को वापस लेते हुए स्वीकार किया कि उन्हें याद रखना चाहिए कि वह केवल एक कलाकार नहीं बल्कि भाजपा की सदस्य भी है। भारतीय जनता पार्टी ने कंगना के इन बयानों से खुद को अलग कर लिया था और इसे पार्टी का आधिकारिक बयान ना बताकर कंगना का निजी बयान बताया था। इसके साथ ही भाजपा ये भी कह चुकी है कि आप पार्टी की तरफ से बयान देने का अधिकार नहीं रखती। हालांकि बापू पर कंगना की हालिया टिप्पणी पर आपकी क्या राय है और बार बार उनके इस तरह से जो विवादित बयान सामने आ रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे, हमें अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Oh.